तो विराट कोहली इज़ अ की प्लेयर, तो वही चेंजर है सारा। और लेकिन मैं फिर दोबारा आपसे अर्ज करूंगा कि आजकल ट्रेंडिंग पे इंडिया चल रहा है ना। इंडिया तो चल रहा है लेकिन वो अनबीटेबल इसीलिए है कि उसने अभी तक कोई मैच लूज नहीं किया, तो फेवरेट टीम तो अभी फिलहाल इंडिया ही है इस वर्ल्ड कप की। यही तो उनके लिए सबसे ज्यादा बुरी बात है कि अभी तक वो हारे नहीं। अगर वो हारते वो गिर के उठने वाले भी बाजीगर कहते हैं, तो अभी तक वो गिरे ही नहीं, अभी तक तो वो अनबीटन जा रहे हैं, तो उनको हार इंडिया भी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली कैसे फॉर्म में खेल रहे हैं। विराट कोहली का तो इस वर्ल्ड कप में किसी प्लेयर के साथ मुकाबला ही नहीं है। मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में जो इंडिया की जो प्रिपरेशन थी और जो उनकी जो उनकी सक्सेस है उसको स्टडी करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि कोई बंदा हमारे अगेंस्ट है तो हम उसको फॉलो ना करें। उनकी स्ट्रेटजीज़ को, उनकी प्लानिंग को और उनकी परफॉर्मेंस को बेस बना के हमें लर्निंग चाहिए। क्योंकि मेरी जो प्रेडिक्शन ये कह रही है कि इंडिया को एक आधा मैच हारना चाहिए था ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया होता कि डिफीट फेस कैसे करते हैं, उसके बाद उनका थोड़ा सा बूस्टअप होता, लेकिन अभी तक वो अनबीटन जा रहे हैं। तो आई गेस कि वो अपसेट करेंगे क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं अपसेट किया, तो एक अपसेट बनता था उनका, तो आई थिंक कि वो हारेंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह। क्यों आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो इस बार हारेंगे? ही वो जीत भी तो सकते हैं ना। जीत सकते हैं, वैसे भी उनका होम ग्राउंड है, वैसे भी उनकी काफ़ी वो पिचेस वगैरह अच्छी हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफ़ी अच्छी रही है। बट मुझे लग रहा है, गट फीलिंग है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट माई बेस्ट विशेस आर फॉर न्यूजीलैंड। क्योंकि इंडिया ने अभी तक इस वर्ल्ड कप का कोई भी मैच लूज नहीं किया। यही तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि अभी तक वो हारे नहीं। अगर वो हारते वो गिर के उठने वाले भी बाजीगर कहते हैं, तो अभी तक वो गिरे ही नहीं, अभी तक तो वो अनबीटन जा रहे हैं, तो उनको हारना चाहिए था ताकि उनको आइडिया होता कि आगे वो कैसे फेस करेंगे सब। जी तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में से कौन बैटिंग और बॉलिंग ज़्यादा ज़बरदस्त करता है? बैटिंग और बॉलिंग तो इंडिया की है अच्छी बात, लेकिन न्यूजीलैंड की भी कम नहीं है, आप न्यूजीलैंड को भी हल्के में नहीं ले सकते। देखिए दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। एग्जैक्टली, बट लग रहा है मुझे कि कल अपसेट हो जाएगा इंडिया का। हाँ जी, इंडिया का ही, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो इंडिया नज़र आ रहा है, हर कोई इंडिया इंडिया। नहीं, जो भी अच्छा खेलेगा चांसेस तो उसके हैं, अब ज़रूरी नहीं कि इंडिया खेले या न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी खेलते तो दोनों टीमें बहुत अच्छा खेलती हैं। मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड जीतेगा इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड ही जीतेगा जी इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड की बैटिंग और बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, उनका विलियमसन भी बैक आ चुका है वापस वो इंजरी के बाद, उसके बाद उनका टॉप ऑर्डर भी अच्छा है, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, बस उनकी थोड़ी सी बॉलिंग लाइनअप जो है लैक कर रही है, अगर वो भी थोड़ी सी सेटिंग हो जाए तो फिर इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। सर मुझे ये बताएं, कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, तो आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में से कौन विन कर पाएगा? न्यूजीलैंड के चांसेस हैं, इंडिया तो वैसे उनका ऑल टाइम फेवरेट है, तो ज़्यादातर प्रॉबेबली जो चांसेस हैं वो यही है कि इंडिया विन करेगा। वर्ल्ड कप तो उसी का ही है, लेकिन कल के मैच के चांसेस है कि न्यूजीलैंड लेके जाएगा। जबकि न्यूजीलैंड भी तो स्ट्रॉन्ग टीम है ना इंडिया से। स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अगर आप बैक मैचेस देखें तो उसने बड़ा अच्छा कमबैक किया है न्यूजीलैंड ने। हाँ, इंडिया तो वैसे ही नॉन अनबीटेबल है, इंडिया के लिए तो यही है कि वो तो एक फेवरेट टीम है, लेकिन फेवरेट टीम को बीट करना एक अच्छा चैलेंज होता है, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड कर ले। लेकिन इंडिया ने तो इस वर्ल्ड कप का कोई भी मैच लूज नहीं किया अभी तक। वो अनबीटेबल इसीलिए है कि उसने अभी तक कोई मैच लूज नहीं किया, तो फेवरेट टीम तो अभी फिलहाल इंडिया ही है इस वर्ल्ड कप की, और सब जानते हैं कि इंडिया ही जीतेगा। जी तो आपको क्या लगता है इंडिया में से बैटिंग और बॉलिंग कौन ज़बरदस्त करता है? बैटिंग में तो विराट ही है ऑल टाइम, और उसके बाद शुभमन गिल भी आजकल सही चल रहा है। बॉलिंग में एक दो जोन से न्यू बॉलर्स आए हैं, कमबैक किया, तो उनका मेरा तो चांसेस है। मतलब इंडिया के चांसेस ज्यादा जीतने के? कल का मैच न्यूजीलैंड ही जीतेगा। अगर इंडिया जीत गया तो जीत लो, सानू की असि की कर सकते हैं, असि तो वापस आ गए। अच्छा मुझे ये बताएं, कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीमों में से कौन विन कर पाएगा? इंडिया ही विन करेगी, क्योंकि सारे मैच ने विन किया, अभी तक कोई भी नहीं इन लोगों ने लूज किया, तो आई थिंक सो कि इंडिया ही विन करेगी। जी आप जी, इंडिया की टीम काफी अच्छी जा रही है। इंडिया की न्यूजीलैंड भी तो स्ट्रॉन्ग टीम है ना, तो फिर वो क्यों नहीं विन कर पाएगी? आजकल ट्रेंडिंग पे इंडिया चल रहा है ना। इंडिया तो चल रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड भी तो खेल रहा है ना जबरदस्त। वो तो इसमें तो पाकिस्तान भी खेलने आया था। पाकिस्तान की तो बात ही अलग है ना, वो बहुत क्या कह सकते हैं पाकिस्तान का। मुझे इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग लाइन का बताएंगे कौन जबरदस्त है? दोनों ही जबरदस्त है उनकी तो। मे बी न्यूजीलैंड मुझे लगती है कि इसमें स्ट्रॉन्ग जा रही है। इंडिया क्यों नहीं? इंडिया भी तो स्ट्रॉन्ग जा रही टीम, लेकिन हमारी जो ज़्यादा वो है तवक्कात है वो न्यूजीलैंड की तरफ है। हाँ जी, जबकि इंडिया ने इस वर्ल्ड कप का कोई भी मैच लूज़ नहीं अभी तक किया। नहीं किया, लेकिन दुआएं जो है ना ज़्यादा उसकी तरफ हैं, लेकिन है तो दोनों हमारे ममालिक वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा शेयर उसकी तरफ जाता है कि न्यूजीलैंड की तरफ हो। जी अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी बैटिंग और बॉलिंग आप सबको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर मतलब क्या कहना चाहेंगे उनकी बैटिंग और बॉलिंग के पीछे क्या राज है? वो एक जो मैनेजमेंट होती है ना, वो देखते हैं कि भाई किस जगह पे ऊपर क्या करना चाहिए हमें, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है और फील्डिंग लूज़ नहीं करते और बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रगल बहुत करते हैं इंडिया वाले।
कोई चीज़ लूज़ नहीं करने पाते ना, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे जी बिल्कुल ऐसे ही अपना हो, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो न्यूजीलैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी बैटिंग और बॉलिंग के बारे में? वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इंडिया से कम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि इन दोनों के चांसेस हैं, मतलब चांसेस हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस नज़र आ रही हैं वो इंडिया की तरफ जा रही हैं कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड कप की बाजी ले सकता है। इंडिया? हाँ, इंडिया ले सकता है बाजी। चलें जी, लास्ट में मुझे ये बता दें कि इन दोनों में से टीम कौन विन कर पाएगी लास्ट में? हमारी जो ख्वाहिश है कि वो न्यूजीलैंड हो, लेकिन लेने जाने के जो चांसेस इंडिया के हैं, इंडिया के हैं, इंडिया विन करेगा। सोशली आप देख सकते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली कैसे फॉर्म में खेल रहे हैं। विराट कोहली का तो इस वर्ल्ड कप में किसी प्लेयर के साथ मुकाबला ही नहीं है, सबको पता है इंडिया ने विन करना है, जाहिर सी बात है, अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं जी। आप इंडिया जो अच्छी टीम खेल रही है पूरे वर्ल्ड कप में, पूरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है, बाकी टीमों के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी दी है, मगर पाकिस्तान हमारी अपनी टीम है, मगर फिर भी जो टीम, हम कुछ कह तो सकते नहीं, मगर उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इस वजह से कल का मैच भी इनका इंडिया का ही है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, वो भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ना? लेकिन वो है, लेकिन आप देखें ना, इंडिया अब 10 मैचों में से 9 में से एक आधा मेरे ख्याल से हारी है। वो तो ये है कि इंडिया ने अब तक इस वर्ल्ड कप का कोई भी मैच लूज नहीं किया, ऐसी बात है ना, अच्छे फॉर्म में खेल रही है, ऊपर से उनके कंट्री में हो रहा है, जाहिर सी बात है इंडिया जीतेगी, वो सबको पता है। लेकिन न्यूजीलैंड भी तो जीत के ही आ गया ये सेमीफाइनल पे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन टफ मुकाबला होगा, ये नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, इतने आसानी से इंडिया को भी नहीं वो जीतने देते, जाहिर बात है, इतनी टफ मुकाबला, दोनों मेहनत करके ही आगे हैं। हाँ जी, ऐसी बात है बिल्कुल जी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो क्यों सेमीफाइनल से बाहर हो गया? पाकिस्तान बस कुछ ना पूछे इस वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान बहुत पाकिस्तान से, पाकिस्तान बहुत, मगर हम जब आखिर में तो वही होना है ना, जो तुम जीतो यार हो, मैं तुमसे प्यार है, मगर पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमें अपने मुल्क पे फख्र है, मगर अल्लाह ताला को जो मंजूर था पाकिस्तान सेमीफाइनल से। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी चाहिए था कि इतनी स्ट्रगल करके आ गया ना? ऑफ कोर्स ही चाहिए था पाकिस्तान, क्यों नहीं कर पाया, मतलब क्या वजह उसके पीछे? अब देखे ना, टीम मैनेजमेंट ऐसी है, फखर जमान इतना अच्छा प्लेयर है, आपने बैटिंग बहुत जबरदस्त की, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ था, इमामुल्लाह का आपको पता है, वो जब नहीं उससे खेल हो रहा, फिर आपको आप उसी को खिलाई जा रहे हैं, ये थोड़ी सी टीम मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। क्या पाकिस्तान को अपनी टीम अरेंज करनी चाहिए? करनी चाहिए, जाहिर सी बात है, नए प्लेयर डाले हैं, आपके पास नसीम शाह इतना अच्छा फास्ट बॉलर है, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है, भाई इसी वजह से ही हारा है जी, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को चाहिए सीखे बाकी टीमों से। न्यूजीलैंड को आप देख लें, बेहतरीन टीम है इस टाइम न्यूजीलैंड भी। इंडिया को आप देख लें, उनके हालांकि रोहित शर्मा पहले पिछले मैचों में नहीं फॉर्म में था, उन्होंने उसको बाहर बिठा दिया था, अब वो आया फॉर्म में। फखर जमान को आप देख लें, उनको बाहर बिठाया है, अब वो उसने मैच खेला, बताया उसने कि क्यों मुझे बाहर क्यों बिठाया। इमामुल्लाह, हमारे पाकिस्तान में एक बात है, अगर एक प्लेयर अच्छा खेलता है तो क्या बाकियों को नहीं खेलना चाहिए? एक पे ही फर्ज है कि वो ही अच्छा खेले। नहीं, जाहिर सी बात है, बाकियों का भी हक है, पूरी टीम है, बाबर आजम को देख लें, अब उससे नहीं फॉर्म हो रहा, आप उसको बिठा दे जी, कप्तानी किसी और को दे दे, मोहम्मद रिजवान को, अब कप्तानी की पड़ी हुई है, बैटिंग की तो उसकी बस। अगर हम इंडिया की बात करें, कोई इंडिया का कोई भी प्लेयर माना के मतलब नहीं अच्छा खेल पाए तो बाकी सब प्लेयर उसे सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात है। विराट कोहली की बैटिंग देख लें, बाकी प्लेयर नहीं चले, वो खुद मैच को लेके चलता है और विन भी करवाता है वो, अगर विराट कोहली आउट हो जाए कोई और खड़ा हो जाता है उनका। देखिए जी, कल का जो मैच होगा वो वन साइडेड मैच होगा और जो ऑल ऑड्स हैं वो सारे के सारे जो उनसे इंडिया की तरफ जाते हैं। इंडिया अनबीटन है, अभी तक कोई मैच नहीं हारा, उसको होम क्राउड, होम ग्राउंड और उसके पिचेस जो उनकी मुताबिक होती हैं उसका बड़ा एडवांटेज होगा, और आई डोंट थिंक सो के देयर इज अ कंपटीशन, इज अ वन साइड मैच होगा और बड़ी इजीली जो है वो अपना फाइनल, इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, जबकि न्यूजीलैंड भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ना। हाँ जी, लास्ट टाइम जब मैच हुआ इंडिया और इनका, वो कोई इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं था, इंडिया के कुछ प्लेयर्स खेल भी नहीं रहे थे, लेकिन कल के मैच के लिए उनकी पूरी टीम जो सी लाइनअप है, और मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी चीज़ जो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड विन करेगा। अभी आपने बताया कि इंडिया के कुछ प्लेयर्स नहीं खेले, तो इसके पीछे वजह क्या है, क्या बात है? उन्होंने रेस्ट करवाया था ना, तो ऑलरेडी उनकी जो सी है वो पूरी टीम जो सी क्वालिफाई कर गई हुई थी, तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा रेस्ट भी करवाया, कल उनकी पूरी फुल टीम खेलेगी, कोई इंजरी भी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई ऐसा उनके लिए कोई डिसएडवांटेज होगा। और सबसे बड़ा क्राउड होता है, जब क्राउड आपके साथ होता है तो आपका एंथुजियाज्म जो है वो बड़ा बिल्टअप हो जाता है, तो आई डोंट थिंक सो के देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन नाउ। अगर बात करें तो इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में कोई भी मैच लूज नहीं किया अभी तक। देखिए ना, ये उनकी एक ये चीज़ सीखने वाली चीज़ है कि उन्होंने किस तरीके से प्लान किया है।
आप उस वक्त तक विन हासिल नहीं कर सकते जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होती है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। वो वर्ल्ड कप की प्लानिंग लास्ट तीन चार सालों से कर रहे थे, विकेट्स के मुताबिक, बॉलर्स की, बैट्समैन की। तो जब उनकी तैयारी मुकम्मल है तो रिजल्ट्स आपके सामने ही है, फुल प्लान्ड होकर वो इस मैदान में उतरे थे। अगर हम इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग के बारे में बात करें तो उन दोनों की बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ना, उनके पास इस वक्त जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्पिन बॉलर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, और ओपनिंग बड़ी अच्छी है, और बैक के अंदर जो उनकी टेल एंड आती है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और मिडिल ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोनों टीमों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो विराट कोहली का जी। तो विराट कोहली इज़ अ की प्लेयर, तो वही चेंजर है सारा। और लेकिन मैं फिर दोबारा आपसे अर्ज करूँगा कि कल का कंपटीशन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और इंडिया बड़ा इजीली मैच क्वालिफाई कर लेगा। इंडिया बहुत स्ट्रगल करती है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ना, उन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री बना ली है जी। ये एक इंडस्ट्री है उनकी, उसमें उन्होंने ICC के अंदर भी अपनी मेंबरशिप रख ली है, दुनिया में सबसे बड़ा IPL करवाते हैं वो लोग, और उसके बाद हो उनकी होम क्रिकेट, उसके बाद उनकी थ्रू आउट पूरा ईयर जो सी है अब्रॉड भी, अवे और इन भी जो सा उनकी क्रिकेट होती रहती है, और वो अपने सारे प्लेयर्स को चांस देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में जो इंडिया की जो प्रिपरेशंस थी और जो उनकी जो उनकी सक्सेस है उसको स्टडी करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि कोई बंदा हमारे अगेंस्ट है तो हम उसको फॉलो ना करें, उनकी स्ट्रेटजीज़ को, उनकी प्लानिंग को और उनकी परफॉर्मेंस को बेस बना के हमें लर्निंग चाहिए। जी जी ऐसा ही है। तो ये मैं दोबारा अर्ज करूँगा कि इंशाल्लाह ताला जो उनसे हमारी टीम पाकिस्तान के लिए भी प्रेज़ है कि वो इनसे सीखें जी। आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है? देखिए ना, यही बात है ना कि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, हमारी टीम ग्राउंड में आई विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग्स, और कोई ऐसी स्ट्रेटजीज और प्लान्स नहीं थे। अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी उनके पास कोई भी नहीं था। टॉस जीत के क्या करें, हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, देखें हारिस रऊफ है जी। उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, 500 स्कोर उसने खाया है और उसकी पूरा परफॉर्मेंस है। अगर हम फखर की भी बात करें तो देखें ना, फखर एक ऐसा की प्लेयर है जो किसी भी टीम के अंदर जो सा ऐसे प्लेयर होते हैं वो कभी कभी चल जाते हैं। तो पाकिस्तान की टीम के अंदर बहुत ज़्यादा तैयारी की, मेहनत की और स्ट्रगल और प्लानिंग की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कि जो हमारी कोचिंग मैनेजमेंट है वो प्रॉपर उनको गाइड कर रही है। उनको पूरी ट्रेनिंग चाहिए, साइकेट्रिस्ट चाहिए, मॉड्यूल्स चाहिए और उनकी टेक्निक्स चाहिए, और जहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं वो उनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं। उनको चाहिए कि एक अच्छी टीम का अरेंज करें। बिल्कुल, आप देखें ना, अब PSL की हमारी तैयारी हो रही है, PSL में से जब तक हमारे अच्छे प्लेयर नहीं निकलेंगे और आप उनको चांस नहीं देंगे तो टीम कैसे सही बनेगी। तो आप अगर अपने लड़कों को आगे लेके नहीं आएंगे और उनको टफ टाइम नहीं देंगे और थ्रू आउट प्रॉपर क्रिकेट नहीं खिलाएंगे तो वो फिर बड़े कंपटीशन के अंदर फेल हो जाएंगे, जैसे कि आपने देख लिया है।